अगर मुल्क नहीं बचेगा तो मिल्लत कहां से बचेगी। इसलिए पहले मुल्क बचाना, इसलिए हम मुल्क की बात कर रहे हैं। अगर हमें मालूम है कि हम अगर मुल्क की बात करते हैं तो भी बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होता है। अगर वो बात करेंगे राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्रीय एकता की और अखंडता की, तो वो तो है राष्ट्रधर्म। और अगर हम बात करेंगे राष्ट्र की एकता की या अखंडता की, तो वो है हमारा कंस, भक्ति कसना। बुराई की नीयत से कर रहे, किसी को बुरा बताने के लिए कर रहे जी नहीं, हमारा आजम है दिखावे के लिए नहीं कर रहे। हमारा आजम है ये, अगर इस मुल्क की हिफाजत के लिए हमारी जान जाएगी, खून रहेगा, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हौसला रखने की जरूरत है, हिम्मत रखने की जरूरत है। जिस सब्र की तलकीन की जा रही है उस सब्र को अमल करके तलकीन की जा रही है, बगैर अमल के नहीं की जा रही। अल्हम्दुलिल्लाह, हो सकता है पहले कभी मैंने सब्र नहीं किया हो, लेकिन पिछले तो 10 साल से सब्र ही कर रहे हैं। فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم और अराकीन की मैयत। कुछ कहने की जरूरत नहीं रह गई, सब बात हो चुकी है। फिर भी बुजुर्गों ने, साथियों ने हुक्म दिया कि नहीं कुछ बोलना है। लोग ऐसा समझते हैं कि सब सहूलत हासिल है, अपने लिए सब सहूलत है, तो सब्र की तलकीन हो रही है। मैं कभी इसका तस्करा नहीं करना चाहता था, लेकिन कल शाम कई वाक़े हुए एक साथ। कुछ दोस्तों ने उर्दू में भी लिखा, हिंदी में भी खूब लिखा गया, अंग्रेजी में भी लिखा गया। इस जमा होने को भी गलत अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई। मेन स्ट्रीम मीडिया में और जो बातें कही गई उसको भी ट्विस्ट करने की कोशिश की गई। तो सनद रहे, इसलिए आपको किस्सा सुना रहा हूं। बिल्कुल इब्तदाई दिनों में 2014 की बात है। हमारे मखसूस जो बुजुर्ग हैं, साथी हैं, वो इन सारे वाकयात को जानते हैं, लेकिन सब लोग नहीं जानते। ऐसा हुआ कि
सीबीआई ने खिलाफ मेरे खिलाफ केस किया और मैंने 5 साल से ज्यादा अर्सा उस केस का लड़ा। कहीं सवाल भी किया गया मुझसे किसी डिबेट में किसी नेशनल मीडिया पे कि आपके साथ इसलिए किया जा रहा है, हमें नहीं कुछ कमी होगी, कुछ गलती हो गई होगी हमसे, पर अल्हम्दुलिल्लाह अदालत से हमने उस केस को हल कर रहा है अल्लाह की मदद से उसकी नुसरत से। यूपी में सरकार आई 2017 में और जितनी सरकार आई उसके 3 या 4 दिन के अंदर मसूद के साथ हुआ और उसके 1-1.5 महीने के बाद यहां वो जेल चला गया, उसको रेप के केस में बंद कर दिया, वो जेल चला गया। अच्छा वो केस उसका है, किया भी हो नहीं भी किया हो तो पूरी नेशनल मीडिया में चलाया जा रहा था मौलाना महमूद मदनी के साथ, नाम मौलाना महमूद मदनी का चलाया जा रहा था। मैं तो यूएस में बैठा हुआ था किसी कॉन्फ्रेंस के लिए गया हुआ, वो मसला भी अदालत से है। अभी आप यहां हम लोग सारे मुल्क की चीजों पर बहस कर रहे हैं, अभी इलेक्शन के चंद रोज पहले आपने देखा होगा कल यहां प्रेजेंटेशन किया गया था यूथ क्लब का, ये स्काउट एंड गाइड के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। आप हमसे सवाल करते हैं कि नफरत का माहौल क्या हो रहा है, तो हम बताना चाहते हैं आपको कि इसी लोगों ने एक सेंटर बनाना चाहते हैं स्काउट एंड गाइड के साथ मिलकर के, उसको दहशतगर्दी का अड्डा बताया जाता है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर काम करने को पाबंदी लगा देती है। हम खामोश हैं, ये हमारा सब है। अभी 5 दिन 6 दिन पहले, ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए सब्र करना किसे कहते हैं। सब्र वो करता है जिसके ऊपर गुजरती है वही कर सकता है। अभी 5 दिन 6 दिन पहले, ज्यादा दिन नहीं हुए, 1 हफ्ता नहीं हुआ है, बिल्डिंग बन रही है कोचिंग के लिए गाजियाबाद में, हाफ होना बगैर किसी नोटिस के एसडीएम ने आकर के उसको वो कर दिया, सील लगा दो बिल्डिंग मैं बना रहा हूं, कोई तस्करा नहीं किया और मैं करूंगा नहीं ये तस्करा, लेकिन दोस्तों को मालूम होना चाहिए। पहाड़ के नीचे से गुजरते हैं और आपको मालूम होना चाहिए। यहां इसी देवबंद में उस वाकये के बाद जो 2017 का हुआ था, इसी मैदान में जमीयत उलमा जिला सहारनपुर का बड़ा इजलास था, ये मौलाना जरूर बैठे मुझसे कहते थे तजवीज लेकर आइए, मैंने कहा तजवीज ले आओ मैं नहीं शहीद दूंगा, जाति मामला है हम खुद निमट लेंगे। जमीयत उलमा का प्लेटफॉर्म है वही, और ये तो जमीयत उलमा का मामला है, हमने कल से लेकर आज तक तस्करा नहीं किया और अभी भी नहीं कर रहे हैं तस्करा, शिकायत नहीं कर रहे हैं, वक्त आएगा ठीक हो जाएगा, वो भी कितना बंद करके रखे। बताना ये चाहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हौसला रखने की जरूरत है, हिम्मत रखने की जरूरत है। जिस सब्र की तलकीन की जा रही है उस सब्र को अमल करके तलकीन की जा रही है, बगैर अमल के नहीं की जा रही। अल्हम्दुलिल्लाह, हो सकता है पहले कभी मैंने सब्र नहीं किया हो, लेकिन पिछले तो 10 साल से सब्र ही कर रहे हैं। दोस्तों जहर उगल रहे हैं, सवाल करने वाला कल मुझसे पूछ रहा है कि आपने जहर उगला, मैंने अपने उनसे कुछ नहीं कहा कि मैं ऐसी तो कोई बात नहीं, अपनी सफाई देता रहा, लेकिन मैं सवाल करता हूं, दिन चाह रहा था मेरा कि मैं सवाल करूंगा जो जहर उगल ले उनको
बात उनकी तरफ तो आपकी तवज्जो ही नहीं जाती, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं जाती जहर उगलने वालों की तरफ। और जो जहर को खत्म करने की बात कर रहे हैं वो उनका जहर नजर आ रहा है, वो वजह है उसकी खास, एक खास जहनीयत बनाई जा रही है हमारे वजूद पर सवाल है। मुश्किल ये है कि हमारे हजरत फरमाया करते थे सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है, दूसरी बड़ी अक्सरियत है इस मुल्क में। मैं तो ये मानने को तैयार नहीं हूं, हम अकलियत है, टेक्निकल रीजन से मानना पड़ता है, हम अकलियत अकलियत नहीं है, हम इस मुल्क की दूसरी बड़ी अक्सरियत है। अगर तादाद के लिहाज से देखें, सिर्फ मुसलमानों को अगर माने, और हम ख्याल लोग, हम ख्याल हिंदुस्तानियों को अगर एक जगह जमा कर दिया जाए तो हम आज अक्सरियत में हैं, और नफरत के सौदागर आज भी अकलियत में माइनॉरिटी। लेकिन भाइयों बेवकूफी मत करना, जरा अकलमंदी से काम करना है, वही सब्र करना है, एराज से काम लेना है, और उसको जो तुम्हारा हम ख्याल है या हम ख्याल हो सकता है इस मुल्क के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, मैं हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं। अभी तक गीत मंजूर की गई है ना, तो क्या करूं, बोलना पड़ेगा ना हिंदी कुछ ना कुछ। उन लोगों को जो हमारे हम ख्याल हैं राष्ट्र निर्माण में, हमें अपने साथ लेना पड़ेगा, और वो हर पार्टी में है, हर पॉलिटिकल पार्टी में मौजूद है। ऐसे ऐसे लोग जो लाइक माइंडेड हैं, हम ख्याल हैं, ऐसे लोग हर जगह मौजूद हैं, जिनकी हुकूमत है उसमें भी लोग मौजूद हैं। ऐसे जरूरत इस बात की है कि हम समझदारी के साथ, सीनों को चौड़ा करके और हिकमत के साथ एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के तहत, एक तवील मुद्दती पॉलिसी के तहत उनके साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करें। ये जो नफरत, ये जो तकसीम करने की पॉलिसी है उसको फेल करें। मैं जमीयत उलमा के अपने जिम्मेदारान से कल भी मैंने अर्ज किया था, आज दोबारा अर्ज कर रहा हूं, आप जमीयत उलमा ये जो हाउस बैठा है यहां, ये दस्तूर साज हाउस है, आपका इख्तियार है, आप किसी को बना सकते हैं, किसी को बढ़ा सकते हैं, किसी को हटा सकते हैं, दस्तूर में तरमीम करने का भी इख्तियार आपके पास है। हां, उसका एक तरीका जरूर है, एक प्रोसेस जरूर है। आप ही जमीयत उलमा, आज जमीयत उलमा हिंद यहां बैठी है, अगर आप ये अज़्म करके जाएंगे, ये उम्र विषमा लगा है जमीयत उलमा के कामों को, जमीयत उलमा की तजवीजों को, जमीयत उलमा के पॉलिसी को, जमीयत उलमा के शोबों को, डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे दीनी तालीम का मामला है, तो कहने से नहीं होगा कुछ, करने से होगा। बच्चों को और बच्चियों का जो लाजमी, कम से कम लाजमी बुनियादी तालीमी हक है दीनी तालीम का, उसको उन तक पहुंचाना ये हमारा फरीजा है, हमारे अलावा कोई दूसरा इस काम को न कर सकता है न करेगा। अगर हम ये उम्मीद में बैठे हैं तो कोई और कर लेगा या कोई और कर रहा है, तो ये बड़ा धोखा होगा, इस धोखे में मत पड़िए। हमारे हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नोमानी दामत बरकातहुम और हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी दामत बरकातहुम, इनकी जेर निगरानी और इनकी क्यादत में दीनी तालीमी बोर्ड काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत अच्छा काम हुआ है, काफी काम हुआ है पहले से, लेकिन माफी के साथ कहना चाहता हूं, जितना होना चाहिए था उसका 10% भी अभी नहीं हुआ है।
इसी तरह से यूथ क्लब का काम, इसमें ताकत लगनी है, नौजवानों को कारामत बनाना है, यही एक प्लेटफॉर्म है। हम सद्भावना मंच की बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा बुनियादी प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के बीच में नौजवानों को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं, मुल्की और ईमानदार। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड की बातें बहुत चल रही हैं, इसके ऊपर तजवीज आई है अभी, तो तजवीज काफी मेहनत से, काफी बैठक तमीज के बाद बनाई गई है, चाहे बयानबाजी वाली मस्जिद तजवीज हो या वो तजवीज हो, बल्कि जितनी तजवीजें हैं महीनों की मशक्कत के बाद तैयार हुई है, हफ्ते और दिन तो लगे ही लगे आते थे। तो इस तजवीज से मुताल्लिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजवीज से मुताल्लिक ये कहना चाहता हूं, कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो वो कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। ये मैं मंत्री बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये इसको कह देंगे ये बड़ा जहर उमला है, कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि तलाक देने का तरीका, अगर मुसलमान तैयार हो जाए कि वो तलाक नहीं देगा। आज सुबह मैं बैठा था जुनूब के नुमाइंदों के साथ हमारे, मैं अर्ज कर रहा था उनसे, निकाह होने से पहले बच्चियों और बच्चों की तरबियत होनी चाहिए, और निकाह उसका होगा ही नहीं जिसके पास, जिसने तरबियत न ली हो और तरबियत का सर्टिफिकेट ना हो, चाहे इसमें देर लगे। उनको समझाया जाए कि तलाक का इस्तेमाल किस मौके पर करना है और किस तरह करना है। अब वो कहते हैं लो जी तुम तो तलाक दे ही नहीं सकते, तो हम कहते हैं हां तुम्हारे कानून के हिसाब से हम तलाक नहीं दे सकते, शरीयत के हिसाब से हम जैसे दे सकते हैं सही करके वो हम देंगे, और अगर दोनों कबूल करेंगे तो उसका रास्ता कौन रोकेगा, कोई रोक सकता है उस तरह से? तो हमें शरीयत को मजबूती से पकड़ना है। मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, किसी ने भेजा था, मैं ढूंढता भी रहा, मिला नहीं मुझे, हज़रत शेख इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह का तो वो अल्फाज जिसका मफहूम यह है कि अगर हम अपने अंदर इस्लाम को समो लेंगे, इस्लाम पर अमल करने का अज़्म कर लेंगे, तो फिर इस्लाम को कैसे, फिर कौन इस्लाम को फिर बिगाड़ सके? असल लड़ाई तो हमारे साथ है, हमारे साथ है, दूसरों के साथ हमारी असल लड़ाई नहीं है, वो तो बनाई गई है, उसी बनाए जाने के तो हम मुखालिफ हैं। हमारी तवज्जो भी अपने असल मामला से हटकर बाहर की तरफ कर दिया गया है, जो हमारा इंटरनल क्राइसिस है, जो हमारी अंदरूनी बहरान है, उस बहरान के ऊपर भी काम करने की मजबूती से जरूरत है। सद्भावना मंच का फैसला हुआ है, अगर इस पर अमल दरामद नहीं होगा तो फैसले का फायदा नहीं होगा। आप लोगों को अज़्म करना है, हमारे लिए पीछे पड़ जाना है और ताकत लगा देनी है इसके ऊपर, इसको भी ओढ़ना बिछोना बना लेना है। बिरादराने वतन के साथ, हिंदू भाइयों के साथ, और उसमें भी मुख्तलिफ तबकात हैं, हमारे सिख भाई हैं, ईसाई लोग हैं, दलित हैं और दूसरे तबकात हैं, सबके साथ जोड़ की कोशिश करनी है, उनको अपने साथ लाने की, लाकर या उनके साथ जाने। इसी बरसात में यह फैसला किया है जमीत उलमा ने इन्वायरमेंट के तहत, अभी 5 जून को इन्वायरमेंट डे हो रहा है, तो कर्नाटक वालों ने तो तय कर लिया है, कितने हजार पेड़ लगाएंगे भाई? 1,00,000, 1,000, अरे भाई 1,000 में क्या होता है,
आपको 10,000 पेड़ लगाने हैं कर्नाटक में इस बरसात में इंशाल्लाह। कर्नाटक की बातें अभी दूसरे लोग हाथ ना उठाएं और जमीयत उलमा ये फैसला करे कर ले आज कि कम से कम इस सीजन में 1,00,000 पेड़ लगाए जाएंगे सारे लोग इंशाल्लाह, बाकायदा तहरीक बनाकर लगाए जाए। इसी तरह से क्योंकि ये जब हम सद्भावना मंच बना रहे हैं और उस मंच के को साथ लेकर के अगर हम इस काम को कर लेंगे तो ये काम मुश्तरक तौर पर करना आसान होगा। हमने 3-4 साल पहले यहां मौलाना हाफिज साहब तशरीफ रखते हैं, इनकी कोशिशों से शामली में, मुजफ्फरनगर में, ऋषिकेश से चले, ऋषिकेश में भी किया था ये काम। ऋषिकेश से चले थे और दिल्ली तक गए थे पानीपत होते हुए और 10,000 पेड़ लगाए और सब जगह पे लगे थे, मस्जिदों में भी लगे थे, मस्जिदों के अहाते में, मदरसों में लगे थे, मंदिरों के अहाते में लगाए गए थे, स्कूलों में लगाए गए थे, देवबंद में भी लगा था। देवबंद में जो ये मंदिर है मशहूर काला सुंदरी देवी का मंदिर है, उस मंदिर के अहाते में बहुत बड़ा बागीचा है, उस बागीचे में हम लोगों ने जाकर पेड़ लगाए थे और दूसरे मजहबी रहनुमा भी मौजूद थे। तो उस तहरीर को इस बरसात में जोरों से करना है और लोग कहेंगे, हमारे बीच में से भी लोग समझाने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे भी, लिखेंगे भी। हाँ, लिखने दीजिए, आप परवाह मत कीजिए। मैंने ईद मिलन के बारे में परसों भी अर्ज कर रहा था, आज आपके सामने भी अर्ज कर देता हूं। हम लोग हर साल ईद मिलन करते हैं, 2500 साल से होगा और उसमें सब तरह के लोगों को बुलाया जाता है। कुछ दोस्त भी होते हैं, कुछ दुश्मन भी होते हैं, कुछ मुखालिफ भी होते हैं, कुछ मुआसिर भी होते हैं। दुश्मन तो मैं किसी को नहीं मानता, जो दुश्मनी कर रहा है वो लाइलमी है की वजह से कर रहा है, बेवकूफी की वजह से कर रहा है। अगर वो पहचान जाए तो वो दुश्मनी करने की पोजीशन में नहीं है। अगर वो पहचान जाए, हमें समझ जाए, अगर वो इस्लाम को पहचान ले तो क्यों दुश्मनी करे। तो एक गेट है, उस गेट को कम करना है। तो मैं अपने दोस्तों से कह रहा था कि अगर किसी को ये एतराज है कि मुखालिफों को क्यों बुलाया जाता है तो मैं आज यहां से ऐलान करना चाहता हूं, मुखालिफों को बुलाएंगे, बार बार बुलाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो जमीतुल्ला के इजलास में भी बुलाएंगे। अगर पैगंबर अली सलाम अपने बदतरीन मुखालिफों के पास जा सकते हैं खाने के बावजूद, तो हम तो ये दावा नहीं कर सकते कि हम गुलाम। माफ करिए, गुलाम होते तो ऐसे गुलाम होते जो अपने बदतरीन दुश्मनों के साथ बेहतरीन मामला करके दिखाते हैं। इसलिए हम दावा नहीं कर सकते कि हम उनके गुलाम। बुजुर्गों और दोस्तों, आप हजरात तशरीफ लाए, शुक्रिया अदा करने का काम तो कोई और करेगा, लेकिन मेरे दिल में बहुत एहसास है, बहुत लंबे अरसे के बाद हम लोग जमा हुए। पिछला इजलास हमारा दिल्ली में हुआ था, अकेली जमीयत उलमा की मुस्लिम जमात जिसने कश्मीर के ऊपर तोड़फोड़ फैसला किया, अकेली मुस्लिम जमात की कायम है उसके ऊपर, उसी अज्म के साथ कायम है जिस अज्म और इरादे के साथ, जिस नियत के साथ वो तजवीज पास की गई, ये हमारी तारीख है। मुल्क की आजादी के वक्त में भी हमारे बुजुर्गों ने वो फैसले लिए थे जो फैसले हवा के रुख के खिलाफ थे। हमें आदत है हवा के रुख के खिलाफ और जुल्म सहने की आदत थी, उस वक्त भी जुल्म साथ, हम तो उसका 10वां हिस्सा भी जुल्म नहीं सह सकते। मैं अपने बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आप लोगों ने तकलीफ उठाई, उसका एहसास किया, उस जरूरत का एहसास किया और
कुछ लोग सैकड़ों मील से, कुछ लोग हजारों मील से सफर करके इस मौसम की तंगी के हालत में, आसाम में फ्लड है जबरदस्त, उस हालत में आसाम के लोग, मणिपुर के लोग, त्रिपुरा के लोग, केरला से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, और फिर ये अपने जो करीब का इलाका है, सबसे बड़ा वक्त मगरबी बंगाल से आया। मगरबी बंगाल की जमीन तो इतना मजबूत है, वहां कारगुलान मौजूद है हमारे बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों को तकलीफ हुई है यहां, जिस तरह खिदमत कर सकते थे हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन ये आपकी तरफ है। हमारे दिल में यह एहसास है कि मेजबानी की जिम्मेदारी हमारी भी हम पूरा नहीं कर सके, लेकिन आपको भी यह समझना होगा कि आप भी मेजबान, फिर भी हम माजरत के तलबगार हैं, माफी के तलबगार हैं। हर चीज में लेकिन समझौता हो सकता है, पर पॉलिसी को कोई समझौता नहीं होगा, नजरिए को कोई कोई समझौता नहीं होगा। हमारी आइडियोलॉजी तो हमारे बुजुर्गों से हमको मिली है, जो सीखा है, जो जाना है, जो पढ़ा है, उसको मुल्क और मिल्लत के मुकाबले मुझे अच्छी तरह याद है। हम वहां में पढ़ता था, बच्चा था, छोटा था, मेरे वालिद रहमतुल्लाह अलैह वहां तशरीफ ले गए, मैं हिज कर रहा था, ये मौलाना मुफ्ती सलमान साहब के वालिद, हमारे मुरब्बी उस्ताद और हमारे अमीर हजरत मौलाना काजी उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत में, उनकी निगरानी में ले जा हुआ, इन्हीं के घर रहता था मुफ्ती सलमान साहब। तो वहां एक मीटिंग हुई, हकीम सियानतुल्ला साहब मरहूम हुआ करते थे, उनके उन्होंने ये बात कही कि आपने जो तहरीक चलाई है मुल्क को मिल्लत बचाओ तहरीक, इसमें मुल्क तो पहले रखा है, मिल्लत बाद में रखी है, इसको इसका उल्टा होना चाहिए, तो मिल्लत और मुल्क बचाओ तहरीक, आप समझ रहे हैं, पहले मिल्लत आनी चाहिए थी फिर मुल्क आना चाहिए था। हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा के फरमाया, अगर मुल्क नहीं बचेगा तो मिल्लत कहां से बचेगा, इसलिए पहले मुल्क बचाओ। इसलिए हम मुल्क की बात कर रहे हैं, अगर हमें मालूम है कि हम अगर मुल्क की बात करते हैं तो भी बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होता है, अगर वो बात करेंगे राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्र की एकता की और अखंडता की, तो वो तो है राष्ट्र धर्म, और अगर हम बात करेंगे राष्ट्र की एकता की, अखंडता की, तो वो है हमारा कंस, भक्ति कसना, बुराई की नियत से कर रहे हैं, किसी को बुरा बताने के लिए कर रहे हैं, जी नहीं, हमारा आजम है दिखावे के लिए भी नहीं कर रहे हैं, हमारा आजम है ये, अगर इस मुल्क की हिफाजत के लिए हमारी जान जाएगी, खून बहेगा, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। शहादत की बात, मेरा मुल्क है, अब मेरा कह रहा हूं तो इसमें भी तकलीफ हो जाएगी, बड़ी मुश्किल है बोलना, वो कह रहे थे बताओ कहां नफरत नजर आ रही है, आज मैंने सुना सुबह सुबह कि किसी बड़े रहनुमा ने कहां नफरत नजर आ रही है, भाई हमारे लफ्ज भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, हम तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की नहीं कर रहे, तुम डराते हो, हम सिर्फ बता रहे हैं कि डराना बंद कर दो, अपनों को भी डराना बंद कर दो, जिनको तुम गैर समझते हो उनको भी डराना बंद कर दो, और हम गैर नहीं है, मुल्क के शहरी है, मुल्क हमारा है, अच्छी तरह समझ लीजिए ये हमारा मुल्क है, और जो हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क के लिए वो हम निभाएंगे हर हाल में, इंशा कोई समझौता नहीं होगा उसको, हमारा वतन अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है, और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले,
भेजना नहीं है किसी को, भेजना नहीं है किसी को, क्योंकि वो जरा जरा सी बात पर कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाओ। भैया तुम्हें मौका नहीं मिलेगा पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने का, इसलिए हम नहीं जाएंगे। जिसको भेजने का शौक है वो चला। अगर मैं माफी चाहता हूं, मैं इस तरह बोलना नहीं चाहता, पसंद भी नहीं करता इस तरह बोलना, मुनासिब भी नहीं समझता। किसी को जवाब देना, ये बेवकूफ लोग हैं वो जिनको जवाब दे रहे हैं, वो वैसे भी माइनॉरिटी में है। जो लोग नफरत का बाजार गर्म कर रहे हैं असल में वो माइनॉरिटी में है। हम ऑलरेडी मेजोरिटी में है, इसको पहचान लेना है। मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क के इंसाफ के लिए, बराबरी के लिए, बराबरी के हुकूक के लिए जो कुर्बानी देनी होगी इंशाअल्लाह जमीयत उलमा हमेशा देती रही है, मुल्क के मुसलमान देते रहे, आप पहले भी देते रहे, इस वक्त भी देंगे और आगे भी देते रहेंगे। हम इस मुल्क के रिश्तेदार भी हैं और इस मुल्क